Plots are ready to sell by Hira Group, 100% legally approved by the Supreme Court of India. SA Colony proposed project at Tolichoki, Hyderabad. Contact on the numbers given on screen or visit the website www.hiradevelopers.in. आई अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि चंदन गुट्टे से है। आज वीआईपी वेलफेयर सोसाइटी चंदन गुट्टे के जिम्मेदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें मीडिया से मुखातिब होकर सोसाइटी के जिम्मेदारों ने बताया कि सोसाइटी के अंदर एक हॉस्पिटल चलाया जा रहा है जिसका नाम शोभा हॉस्पिटल है। आए दिन इस हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ ऐसे वाकये पेश आ रहे हैं जिससे सोसाइटी के लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है और ये हॉस्पिटल बगैर किसी की परमिशन से चलाया जा रहा है। तो ये हम आपको ले चलते हैं चंदन गुट्टा, दिखाते हैं खबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज इस सोसाइटी का आपको बुलाने का, मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि कॉलोनी में जो सोशल एक्टिविटी के अलावा कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हो रही है, एक रेजिडेंशियल इलाका है जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है जैसे कि शोभा हॉस्पिटल, उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि उसके पास कोई पार्किंग नहीं है, उसके पास किसी किस्म का अप्रूवल नहीं है, कोई बिल्डिंग का परमिशन नहीं है, लेकिन वो उसके बावजूद भी यहाँ पर मुसलसिल हॉस्पिटल चलाया जा रही है। कॉलोनी में रहने वाले तमाम रहायश पजीर अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रात के हिस्से में सुबह 7 बजे से हॉस्पिटल शुरू होता है तो रात के 2 बजे तक हॉस्पिटल चलता है, कभी तो सुबह तक चलता है। रात भर गाड़ियों की आमदोरफ्त, ऑटो वालों की आमदोरफ्त, दूसरे बाइक्स की आमदोरफ्त की वजह से कॉलोनी में रहने वालों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ऑटोज वाले आते हैं, जिसको जिधर जगह मिलती है वो पार्क कर लेते हैं, बाइक्स वाले आते हैं, जिसको जिधर जगह मिलती है पार्क कर लेते हैं। अगर कभी कॉलोनी के मेंबर्स उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो लड़ाई झगड़ा, और इससे पेशतर कई मरतबा ये झगड़े हो चुके हैं, मारपीट भी हुई है, पुलिस केस भी हुआ है, और ये हॉस्पिटल की वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। जैसे कि गुज़िश्ता 2-3 महीने में मुसलसिल चोरियाँ हो रहे हैं, रोकर के पूछा जाता है तो कहते हैं कि हम हॉस्पिटल को आए हैं। अब हॉस्पिटल को आने से तो रोका नहीं जा सकता, इसलिए मजबूरन हम ये चाह रहे हैं कि शोभा हॉस्पिटल यहाँ से अपना कमर्शियल प्लेस किसी दूसरी जगह मुंतकिल करे और कॉलोनी में रहने वाले लोगों को तहफ़ुज़ फराहम किया जा सके। हॉस्पिटल कहाँ पे और आपकी कॉलोनी कहाँ है? ये शोभा हॉस्पिटल VIP कॉलोनी चंद्रायन गोटा फ्लाईओवर के बिसाइड में है। ये शोभा हॉस्पिटल 2013 से काम कर रहा है और यहाँ पर इनके पास कोई प्रैक्टिकल के सिर्फ प्रैक्टिस डॉक्टर्स है, कोई प्रोफेशनल डॉक्टर्स नहीं है, इनका स्टाफ कोई नहीं है, इनके पास किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है। अगर किसी दिन खुदा ना खास्ता कोई ऑक्सीजन सिलेंडर फटता है तो आजू बाजू रहने वाले सारे लोगों के लिए तकलीफ़ है, कई लोगों की अमवात हो सकती है। ये सारे मसाइल, इनके पास कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। चंद दिन पेशतर का काफ़ी एक बड़ा वाक़या, और ऐसे माजी में भी कई वाक़े हो चुके हैं। 16 नवंबर का वाक़या है, ऑपरेशन था, क्या था, अंदर कोई जा नहीं सकता, वो क्या ट्रीटमेंट हुआ, एक खातून की मौत हो गई, हजारों लोग जमा हो गए, पुलिस आई। बिल्कुल बीचों बीच हॉस्पिटल है या रोड के करीब में? जी नहीं, ये कॉलोनी के रेसिडेंशियल इलाके में और सबसे आखिरी लाइन में, जिसको बीच की लाइन कहा सकता है, बिल्कुल उसके अंदर है। 2013 से जब दवाखाना ये चल रहा है तो आप लोग अब इतने साल बाद बेदारी क्यों हुई कॉलोनी में? इससे पहले क्या सोसाइटी नहीं थी? शुरुआत में किसी को इल्म नहीं था कि हॉस्पिटल बन रहा है। जिस तरह मेरा घर बना, जिस तरह दूसरे घरों की तामीरी भी, सबको ये इल्म था कि ये घर बन रहा है, लेकिन जब बाद में हॉस्पिटल का बोर्ड लगाया गया तो लोगों को पता चला। हम यही समझे कि कुछ डॉक्टर आएंगे, क्लिनिक के तौर पे चलाएंगे, लेकिन जैसे जैसे उन्हें अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, वक्त के साथ साथ कॉलोनी भी फिल हो गई। कॉलोनी में काफ़ी खुला इलाका था, लेकिन अब कोई प्लाट खाली नहीं है, सबके अपने घर बन गए, सबकी अपनी पार्किंग है, लेकिन हॉस्पिटल की वजह से जो पार्किंग का इशू हो रहा है वो काफ़ी बड़ा मसला है। हॉस्पिटल डालने से पहले क्या कोई परमिशन लिए? कोई परमिशन नहीं है हमारी सोसाइटी के अलावा, तो हुकूमत से भी कोई परमिशन नहीं है उनका, ना GHMC का है, ना MIC का है, ना म्यूनसिपल का है, ना जोनल कमिश्नर का है, कोई कमी अप्रूवल नहीं है उनके पास। आप लोग DO ऑफिस में, मेडिकल ऑफिसर में कंप्लेंट करें? हम अभी तक दोस्ताना माहौल में मामले को हल करना चाह रहे थे। हमारे सदर साहब गुज़िश्ता 10 साल से उनके साथ ताउन कर रहे हैं, और उनकी बदबख्ती ये है कि वो आज सदर साहब के अगेंस्ट ही केस फाइल कर चुके हैं। गुज़िश्ता 25 नवंबर को हम उनको बुला करके एक मीटिंग करे थे, हम हमारे मसाइल का हल रखे थे कि आप ये इसको फुलफिल करें। उसे माजी में भी हम ऐसे कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। एरिया पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे? अभी हम एरिया को पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट करे हैं,
ये उसकी कॉपी है, ये एक्नॉलेज, ये उनकी ओन बिल्डिंग है। अगर जब हम कंप्लेंट करने जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप रेसिडेंशियल है, आप रेंटेड है, हम ओन प्रॉपर्टी है, हम ओन प्रॉपर्टी छोड़ करके नहीं जा सकते। वो हम पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं कॉलोनी में, जो 10 साल एक हॉस्पिटल एक कॉलोनी में जमा कर आप कारोबार कर रहे हैं, और आज जब हम उनको कंप्लेन करते हैं तो वो इल्जाम तराशी करते हैं कि आप लोग हमारा बिहेव गलत है, हम मोबाइल टावर्स लगा करके रहे। कौन हॉस्पिटल है जो मोबाइल टावर्स का परमिशन देता है? कहाँ से परमिशन लेकर के आए? वो अपने हॉस्पिटल में मोबाइल टावर्स लगा करके रखे, वो हॉस्पिटल है या कोई दूसरी इमारत, ये पता नहीं चल रहा है। वो अपने मेडिकल हैजर्ड्स सारे बायोकेमिकल्स पूरी कॉलोनी में फैला रहे हैं, जिससे कॉलोनी के छोटे मासूम बच्चों का, खवातीन, हामिला खवातीन को सेहत खराब हो रही है, मुसलसिल बच्चे बीमार रहे हैं, कोई टाइफाइड है, कोई मलेरिया है, कोई बुखार है। ये सारे मसाइल का हल है, और हम लोग इसी वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं कि जितना जल्दी हो सके इस हॉस्पिटल को यहाँ से बर्खास्त किया जाए। मैं जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और हमारे KTR साहब, KCR साहब, जोनल कमिश्नर, JSMC कमिश्नर, सभी से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इसका तहकीकात करें और इसको यहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल कीजिए। जी हाँ, मौजूदा कारपोरेटर साहब से भी बातचीत हुई, वो भी हमारे इस बात का तयकुन दिए। हालिया दिनों वो शहर में नहीं है, कहीं बाहर है। जनाब वहाद अब्दुल वहाब साहब से बात हुई, वो अभी इन दिनों बाहर है। वो हमारे काफ़ी हमारे साथ ताउन का रवैया रहता है उनका, तो वो भी इस बात का तयकुन दिए कि जैसे वो वापस आएंगे इस बारे में हमारी रहनुमाई करेंगे। सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक, खुसूसी डिस्काउंट के साथ, और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आएं हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।